लेने के लिए आ गए हैं जीत वाले के यहाँ पे अपनी कंप्यूटर बुक लेने। गाइस हम यहाँ बहुत देर से वेट कर रहे हैं बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बढ़िया वाली, पर इनके पास टाइम नहीं हो रहा। हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज अभी बज चुके हैं 12:30, मेरी मामी आई हुई है, मिलवाती हूँ आपको मामी से। हेलो मामी जी, हमारी बड़ी मामी जी आई, कोई नहीं है वीडियो बन रही है। अच्छा, हेलो बोल। हेलो, और ये हमारी छोटी मामी जी। मेरी कुछ तारीफ करना चाहोगे आप लोग? हो गई तारीफ, वाह। तारीफ करते हैं, सुबह उठती है बस वीडियो बनाना शुरू करती है, खाना वाना कुछ मतलब खाने के लिए रोटी भी वही मांगती है, नाश्ता। आपके प्रवचन ये लोग सुन चुके हैं पहले भी, तो रहने तो कोई जरूरत नहीं है आपको प्रवचन की। अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, यानी कि आज मैं मिताली के यहाँ जा रही हूँ। जैसे कि आज संडे है तो अभी हम अपने KTM पे, भाई अपनी KTM है एक भाई साइकिल, उस पर जाएंगे मिताली के घर, और उसके बाद हम मार्केट वार्केट पे जाना है कुछ काम से। ये रहा मेरा बड़ा तगड़ा बैग और हम चले अब बाहर। भाई से मिताली के यहाँ पहुँच गई हूँ, ये खड़ी है, और इसके बाद हम मार्केट जाएंगे खाना वाना खा के। अभी बहुत देर से हम लोग यहाँ रील्स वील्स बना रहे थे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। एज लाइक ऑलवेज संडे को मार्केट डे होता है हमारा। तो गाइस फाइनली 3 बज गए हैं और हम मार्केट के लिए निकल गए हैं। ये रही मैडम भी जा रही है और हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्कूटी है नहीं। हम पैसे बचाएंगे, रिक्शा से हम जाते नहीं, हम पैसे बचाएंगे, इस सच हम कुछ खा लेंगे, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं मार्केट तक। आएंगे पैदल, जाएंगे पैदल। बुक लेने के लिए आ गए हैं जीत वाले के यहाँ पे अपनी कंप्यूटर बुक लेने। हम यहाँ बहुत देर से वेट कर रहे हैं बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बढ़िया वाली, पर इनके पास टाइम नहीं हो रहा। क्या कर रही थी? हाँ टाइम पास कर रही। यूनिकॉर्न है क्या चीज़? ही जेल हमें क्या क्या है? क्ले है? नहीं क्ले है, ये वही स्लाइम टाइप है। गाइस हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, आइसक्रीम रख दे ले, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम का मन नहीं है। यहाँ हमारा टाइम पास चल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आ तो गए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ बिकॉज बुक एक ही थी, हमें दो लेनी थी, तो हम 2-3 दिन बाद दोबारा आएंगे दोबारा बुक लेने के लिए सैडली। और अब हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैडम? भैया के यहाँ चलते हैं, कुछ देख के आएंगे क्या क्या नया सामान आया, कपड़े वपड़े। गाइस गर्मी हो रही थी इसलिए अभी हमने लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, और अब हम जा रहे हैं कपड़े देखने के लिए। अगेन टोनी कलेक्शन। हे भैया, भैया कैसे हो आप? दिख रहा नहीं आज भैया, ओह माय गॉड, आज भैया बोलने के पूरे उसमें है, आज बोल सकते हैं भैया। आज मैं कुछ नहीं बोल रहा। भैया शर्मा गए, भैया शर्मा गए, शर्मा गए, ओए होए शर्मा गए। मिताली बिल्कुल जरा सी, बिल्कुल जल्दी, अगर ज्यादा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बता जल्दी, अगर पी तो पी ले फिर। बाय भैया, बाय। चल बहुत अच्छी, बहुत अच्छी भैया, अगली बार भी आएंगे ना, स्क्रिप्ट लिख के रखो। हाँ क्या क्या बोलना है ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। मेरे पास भी नहीं पता। तो गाइस फाइनली मैंने अपने लिए टी शर्ट ले लिया है, एक जीन्स मुझे मिली नहीं है बहुत ढूंढने के बाद भी, ढूंढ की मतलब है मस्त मस्त, पर मुझे जैसे चाहिए थी वैसे नहीं मिली मुझे, तो भैया कुछ टाइम बाद ला कर दे देंगे। और अभी हम जा रहे हैं दोबारा से गंगा नहर किनारे ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि टी शर्ट गिर गई थी यहाँ से, तो मिताली जी हमारी दे के आई उनको टी शर्ट उनकी। सैड हार्टेड पर्सन शी इज़। और अब हम वापस से अपने रास्ते पर,
गंगा नहर किनारे बाबा जी का मुझे डोसा खिलाएगी, बाबा जी का टुल्लू दूंगी डोसा। गाइस हम दोबारा से गंगा नहर किनारे आ गए, आपको दिखाती हूँ कितने सामने हो, कितनी भीड़ हो रखी है और हम छाया वाली जगह पर आकर बैठे हैं। ये रहा वही पुराना मंदिर और सैडली मैंने आज शूज़ पहने हुए हैं तो मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे। कहाँ उसके अंदर मैं घुस सकती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं मर जाऊँगी वो अलग बात है। इतना क्लियर पानी लग रहा है आज को, दिख रहा है जैसे मैं पैर नहीं डबा सकती आज पानी में। और इसका सही है बेटे, मुझे उतारने पड़ेंगे यार अपने, मेरा मन कर रहा था उतार देना। इतनी लालचन है, इसे क्या खाना, चाट खानी, टिक्की खानी, टिक्की और पैसे नहीं है, खिलौने मुझे खाना मुंह बना के बैठी थी, चक्कर आया पता नहीं क्या हो गया। और फाइनली मैंने शू उतार दिए अपने, हद हो गई, मतलब डूबना क्या तुझे आज है? मैं आज डूबने वाली हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैंने बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली है लेकिन मिताली को डर लग रहा है, डर पोक कहीं की। मैंने यहाँ फोटोज खिंचवाई हैं और मिताली बोल रही थी कभी थी पता है यहाँ पे जब भाभी आई थी तब पता है मुझे, मैंने देखी थी, मैंने यहाँ पहली बार खिंचवाई। लेकिन तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं, कैसे बुकड़ों की तरह खा रही, बहुत बुरा हाल रखा है इस चाट का, पागल है एक नंबर के पैसे मैंने दिए सारे के सारे खुद पे ले जा रही, मतलब हद हो गई। ओह माय गॉड, अब भड़के के जाके अंकल के ऊपर, लेकिन पहले खा लूं फिर वापस। हम लोग वहां से वापस चल दिए हैं, मैडम आगे आगे भागी जा रही है और अब हम लोग जाएंगे पार्क में दोबारा फोटोज खिंचवाने हैं। और कुछ काम तो है नहीं क्योंकि फोटोज खिंचवाते रहो बस और वीडियोज बनाते रहो, तो हम थोड़ी देर पार्क जाएंगे उसके बाद फिर घर, उसके बाद फिर मैं अपने घर, ही अपने घर खत्म काम। हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, ये इयररिंग्स देखने। हेलो भैया, हेलो भैया, भैया भैया भाई भैया, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स मिलते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से इयररिंग्स ले सकते हो। हमने बहुत बार लिया है, बहुत बार मिला, 10-20 बार ले लिए ना हमने, और ये कम भी कर देते, ये बहुत हड़िया भैया है, फ्री में भी दे देते हैं अगर आपको मन हो ना, पैसे नहीं है तो दे देंगे वो आपको। हाँ अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में और यह एक झूला, ताली झूल रही है, झूला ताली गिरी गिरी मतलब उधर की साइड को करने के बजाय उधर की साइड को, वाह बेटा मौज कर दू। तो गाइस हम लोग पार्क से निकल के आ चुके हैं, वो रही पीछे मैडम, कह रही है जेल में से बाहर निकल के आ गए हम और हम जा रहे हैं घर, घर जाकर पानी छानी पियेंगे, बहुत गर्मी हो रही भयंकर वाली, छोड़ के आ दिखाऊं तुझे मैं। गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ घूम फिर कर, 6:30 साढ़े 6 बजने वाले हैं और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पापा जी बैठे हैं अपना आराम से टीवी देख रहे, हाँ ढिल्ला सा, अरे कमर पर चढ़ाई है एकदम फिट। तो गाइस मैं ये टॉप लेके आई हूँ अपनी, आई नो बहुत बड़ी और ढीली है लेकिन मैं जानबूझ के कैसे लाई हूँ, मस्त लग रही है। ये लाई हूँ मैं टोनी कलेक्शन से, जिस शॉप पे मैं हमेशा जाती हूँ, मतलब जब भी जाता जाते सबसे पहले उसके यहाँ पे, सबसे पहले कहाँ जाना है, टोनी कलेक्शन, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बेस्ट शॉप एवर।